दोस्तों आईपीएल 2020 के 56 लीग मैचों में से 54 मैचेस पूरे हो चुके हैं और हमें अभी तक पता नहीं चला है कि कौन सी वो चार टीम होगी जो आईपीएल के 13वें सीजन में प्लेऑफ्स में जगह पक्की कर पाएगी। तो दोस्तों अभी तक मुंबई इंडियंस ही है जिन्होंने प्लेऑफ्स में जगह पक्की करी है और बाकी की टीम में अभी संघर्ष चालू है। इसी तरह दोस्तों ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के पॉइंट्स टेबल में भी थोड़े थोड़े चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। तो कौन है जो इस बार का ऑरेंज कैप और पर्पल कैप ले जाएगा वो सब मैं इस वीडियो में एनालिसिस करने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ऑरेंज कैप की। तो दोस्तों ऑरेंज कैप की लिस्ट में पांचवें नंबर पे है शुभमन गिल जो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं, जिन्होंने अभी तक 33.84 की औसत से 440 रन बनाए हैं। तो दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पे है, तो उन्हें अभी मैच खेलना बाकी है, तो सारे शुभमन गिल आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरह दोस्तों चौथे नंबर पे है डेविड वॉर्नर जो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं, जिन्होंने अभी तक 37 की औसत से 444 रन बनाए हैं, वो भी आगे खेल सकते हैं और उनके भी रन आगे बढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर पे है फेक डुप्लेसी जो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं, जिन्होंने 40.81 की औसत से 439 रन बनाए हैं। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग की टीम प्लेऑफ्स की लिस्ट में बिल्कुल ही बाहर हो गई है, तो अभी फेक डुप्लेसी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरे नंबर पे है शिखर धवन जो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं, जिन्होंने 47.10 की औसत से 471 रन बनाए हैं। तो दोस्तों शिखर धवन यानी कि दिल्ली कैपिटल्स को अभी मैचेस खेलने बाकी है, तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं और पहले नंबर की सीट धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पे है केएल राहुल जो किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हैं, जिन्होंने 95.83 की औसत से 670 रन बनाए हैं। तो दोस्तों ये था ऑरेंज कैप का पॉइंट टेबल, जिनमें अभी भी पहले नंबर पे है केएल राहुल। हालांकि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के मैचेस पूरे हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी है जो केएल राहुल को पीछे छोड़ पाएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पर्पल कैप की। तो पर्पल कैप की लिस्ट में पांचवें नंबर पे है ट्रेंट बोल्ट जो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं, जिन्होंने 20.90 की औसत से 20 विकेट ली है और मुंबई इंडियंस ऐसी पहली टीम है जो आईपीएल में क्वालिफाई कर चुकी है, तो उन्हें आगे मैचेस खेलना है, तो ट्रेंट बोल्ट है जो पर्पल कैप की लिस्ट में आगे जा सकते हैं। उसी तरह दोस्तों चौथे नंबर पे है युजवेंद्र चहल जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से खेलते हैं, जिन्होंने 17.60 की औसत से 20 विकेट ली है, उन्हें भी आगे मैचेस खेलने हैं, तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर पे है जोफ्रा आर्चर जो राजस्थान रॉयल की टीम से खेलते हैं, जिन्होंने 18.25 की औसत से 20 विकेट ली है, तो राजस्थान रॉयल तो प्लेऑफ्स की दौड़ में बिल्कुल ही बाहर हो चुकी है, तो जोफ्रा आर्चर यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे है किंगिसो रबाड़ा जो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते हैं, जिन्होंने 18.4 की औसत से 23 विकेट ली है। उसी तरह दोस्तों पहले नंबर पे है जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 15.73 की औसत से 23 विकेट ली है। तो दोस्तों औसत की वजह से जसप्रीत बुमराह है जो पहले नंबर पे बने हुए हैं, तो जसप्रीत बुमराह और किंगिसो रबाड़ा के बीच में काफी कड़ा मुकाबला चल रहा है। तो दोस्तों ये था ऑरेंज कैप और पर्पल कैप का पॉइंट टेबल, जिनमें ऑरेंज कैप में पहले नंबर पे है केएल राहुल और पर्पल कैप में पहले नंबर पे है जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आईपीएल के पॉइंट टेबल से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।